स्टार्ट करना है तमिलनाडु राज्य, स्टेट का नाम क्या है? तमिलनाडु। सबसे नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सबसे नीचे, और वापस घूम के, ऐसे घूम के वापस कहाँ आना है? तमिलनाडु। 28 राज्य, अगर जम्मू कश्मीर को एक राज्य के रूप में पढ़े तो 29, 29, ठीक है। सबसे पहला आज क्लास चालू हो रहा है, पहले इससे पहले वाला क्या था? इंट्रोडक्शन था, ठीक है, आउटर आउटर जितना भी था ये सब बता दिया हूँ। अब स्टार्ट करने वाले कौन सा राज्य? तमिलनाडु, ठीक। जो बातें बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये रहा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राज्य की सीमाएं एक लग रहा है किसके साथ? सब देखना है ना, सब चीज देखना है, ढंग पढ़ रहे ढंग से पढ़ना। इधर किससे लग रहा है? कर्नाटका के साथ, और इधर किसके साथ लग रहा है? आंध्र प्रदेश के साथ। अब मेरे को बताइए तमिलनाडु एक लैंड लॉक्ड स्टेट है या नहीं है? नहीं है, तमिलनाडु एक लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है मिश्रा जी? तमिलनाडु लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है बोल रहे हैं लोग, क्यों नहीं है बोल रहे हैं? किसके बाउंड्री टच कराना है? जिसके पास भी कोस्टल लाइन हुआ वो क्या नहीं होगा? लैंडलॉक्ड नहीं होगा, ठीक है। एक साथ बता रहा हूं तमिलनाडु और केरल का फिजिकल प्राकृतिक, ठीक है, इसके बाद कल बताऊंगा अलग अलग इन लोग का पॉलिटिकल। चलिए देखिए, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से एक ऐसा कंटिन्यू एक पहाड़, नाम है इसका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, कंटिन्यू ऐसा आएगा महाराष्ट्र से। ये यहां पर से पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट ऐसे आएगा। लेकिन जहां मैं बात कर रहा हूं कौन से घाट की? वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का, ये एकदम कंटिन्यू दिख रहा है, लेकिन इसमें जगह जगह ब्रेक है, गैप है। क्या है? जगह जगह गैप है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये पहले याद रखना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट लगातार। पश्चिमी घाट कैसा? एकदम कंटिन्यू, लेकिन आपका जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, वो कैसे है? ब्रेक ब्रेक में कटा छटा है। कहे के लिए कटा छटा है, तो इधर बहुत सारी नदियां बहती है, इन्होंने क्या कर दिया? इनको काट छांट दिया, ये भी एक कारण आएगा। इधर बहुत सारी नदियां बहेगी, काहे क्या बहेगी? नदियां, इन नदियों ने इसको क्या कर दिया? काट छांट दिया, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं इन घाटों की। तो अभी मैं जोड़ के बना दे रहा हूं, बस पढ़ाना। ओहो, अभी मैं इसको आपको याद रखना है कि कैसा है वेस्टर्न घाट, कटा छटा है, कैसा है, सॉरी ईस्टर्न घाट कैसा हुआ है, पूर्वी घाट कैसा है, कटा है, ब्रेक है बीच बीच। यहां पर ये यहां पर एक जंक्शन है गांठ, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ये दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, ये है नीलगिरी माउंटेन रेंज। नीलगिरी माउंटेन रेंज एक पहाड़ है जो किसको कनेक्ट कर रहा है? ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से। यही क्वेश्चन आएगा, नीलगिरी माउंटेन रेंज किसको किसको कनेक्ट करता है? ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न के साथ, ठीक। मेरे केस में मजा नहीं आता। ये ठीक लगता है आपको, केवल इसमें से मैप ड्रा करना है, बाकी उस सारा पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी सारा चीज किस में मिलेगा? पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है देखो, आगे का नहीं बना रहा हूं मैं, बस केवल इस मैप में क्या है, साउथ इंडिया क्या बना हुआ है, केवल दक्षिण भारत ये एरिया बस बना हुआ है। ये कौन सा घाट है? ये पूरा लास्ट तक है ना, ऐसा नहीं है यहीं तक बनाया सर तो यहीं तक है, ये पूरा लास्ट तक है, ये पूरा लास्ट तक है ऐसा।
अच्छा, ये वाला एक राज्य चला रहा है, केरल। ये कौन सा राज्य है? ये आपका तमिलनाडु, ये कर्नाटक। और ऐसे आंध्रा छोड़ दो, चलो नहीं है, इतना याद रखना है। इस पर एक गांठ है, यहां पर एक जंक्शन है, इस जंक्शन से ऐसे के लिए। ये कौन सा माउंटेन रेंज? तीन माउंटेन रेंज बताया। रेंज इसलिए बोल रहा हूं कि ये पहाड़ नहीं है, एक पूरा श्रेणी है, इसलिए माउंटेन रेंज बोल रहा हूं। माउंटेन रेंज, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और नीलगिरी माउंटेन रेंज, तीन हो गया। यहां पर कर्नाटक में एक और पहाड़ पड़ेगा, ये पहाड़ बोल रहा हूं, ब्रह्मगिरी की, ब्रह्मगिरी हिल्स। कौन सा हिल्स? ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स से एक रिवर निकलेगी, कावेरी नदी। कौन सा रिवर? कावेरी। इस कावेरी नदी पर कर्नाटक में एक डैम, तमिलनाडु पर एक डैम। कर्नाटक वाला का नाम है कृष्णराज, कृष्णराज, और इसके वाले यहाँ वाले का नाम है मैटूर डैम, मैटूर डैम परियोजना है। जो भी नदी बे ऑफ बंगाल, इधर पूरा क्या है, बे ऑफ बंगाल, जो भी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरेगी वो नदियां डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या है, एक्सुरी क्या है, एक एक चीज समझाना है मेरे को अभी, बस आप ध्यान देना है। डेल्टा, डेल्टा मतलब जिसका शेप कैसा हो जाता है, नदी आखिरी में समुद्र से मिलने से पहले एक त्रिभुजाकार अपना क्या बना लेता है, ट्राइंगल शेप का क्या बनाती है, आकृति बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा। होता क्या है, जब नदी अपने बहाव में चलती है तो नदियां क्या करती है, पत्थर, कंकड़, पेड़, बिल्डिंग, कार वार सब लेके चलता है जब अपने उफान पे रहता है, ठीक है, देखे हो। तो ये नदियां जब अपने साथ डस्ट पार्टिकल लेके जाती है तो आगे चल के जब ये समुद्र का, देखो समुद्र का तल नदी के तल से ऊपर होता है, सरफेस। सी का क्या होता है, रिवर से ऊपर होता है, समुद्र का तल ऊपर होता है, तो उस पर जाने बहुत तकलीफ होता है आखिरी में, जैसे मरने पहले बुढ़ापा आता है, तो नदियां इधर जाके उड़ी है, इधर एकदम फूलों में घूमता है, बचपना जवानी है पूरा क्रिकेट ही खेल रहा है, लेकिन जब अंत आता है तो ये नदियां दम तोड़ने लग जाती है, तो ये बुढ़ापा के समय क्या करता है, नहीं जा पाता है, हाथ पैर कांपता है तो ऐसे ऐसे बढ़ जाता है। ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ये एक ट्रेंगल शेप का आकार ले लेता है, यही क्या कहलाता है, डेल्टा। क्या कहलाता है, डेल्टा। तो बे ऑफ बंगाल पे गिरने वाली अधिकतर नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा बनाएगा तो एक लाइन में बोलेंगे तो कावेरी का डेल्टा, एक लाइन में बोलना होगा तो क्या बोल दूंगा, कावेरी का। लेकिन आपको यहां पर एक शहर याद रखना, तंजौर, इसको बोलते हैं तंजौर का डेल्टा, ठीक है, काय का डेल्टा, तंजौर का डेल्टा, ओके। अब चलो इसकी बात करते हैं, ये बना तो दिया। एक और यहां पर जंक्शन पाए, एक जंक्शन मिलेगा यहां पर, एक और जंक्शन। इस जंक्शन में मेन तीन पहाड़ याद रखना है, अलग अलग तीन पहाड़ी। तीन पहाड़, एक और जंक्शन मिलेगा। ऊपर वाला पहाड़ कहलाता है अनाई मुदी, ऐसे ही नाम मिलेगा। अनाई मुदी पूरे साउथ इंडिया का सबसे पिक पॉइंट, 29.95, 26.95, 26.95 मीटर टोटल हाइट है पूरे। अरे अन्ना देखो, ये एक बात और, थोड़ा सा एक पीछे एक मैप था, क्या एक मैप यहीं पर देखा था, ये अब एक ध्यान से देखो, जो भी कलाकारी करूंगा यहीं करूंगा, ठीक है, इधर देखना ध्यान से। ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट का एक और नाम में याद रखना, सहयाद्री माउंटेन रेंज। इसी का क्या नाम है, सहयाद्री माउंटेन रेंज, इज आल्सो नोन एज सहयाद्री माउंटेन रेंज।
साथ में और याद रखना है, इसी को साउथ इंडिया में अन्नामलाई माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अन्नामलाई। किस नाम से? अन्ना क्या खाएगा? अन्नामलाई माउंटेन रेंज। ठीक है अन्ना, ये अन्नामलाई माउंटेन रेंज। इस अन्नामलाई माउंटेन रेंज को तीन भाग में काटिए, एक दो, ये इतने ही तक अन्नामलाई, ऊपर छोड़ दो बस। ऊपर पूरा पूरा का अगर एक बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट कहलाएगा, पूरे की बात कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? वेस्टर्न घाट या सह्याद्री माउंटेन रेंज। मैं साउथ इंडिया में तीन पार्ट करने बोला हूँ, अन्नामलाई का तीन पार्ट। किसका? किसका? अन्नामलाई का तीन पार्ट। ऊपर वाले में लिख दो चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। पूछ नहीं रहा हूं, मिलता है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या मिलता है? चाय और कॉफी। बीच वाले में मिलेगा रबर। बीच वाले में क्या मिलता है? रबर। ये एकदम यहाँ पर एक तो फैक्ट्री है यहीं पर तमिलनाडु में, यहीं पर MRF मद्रास रबर फैक्ट्री, टायर बनता है टायर। सुने हो MRF? हाँ, ये इसके नीचे ये वाला जितना दिख रहा है ये है बेटा इलायची की पहाड़ी। अंग्रेज लोग इलायची को कार्डेमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डेमम। तो ये इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम हिल्स। कौन सा हिल्स? कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां। ये अलग से और याद रखना। किसकी बात कर रहा हूं अभी? मात्र और मैं केवल अन्नामलाई माउंटेन रेंज का। अन्नामलाई माउंटेन रेंज को तीन भाग में काटे, ऊपर वाले में मिलेगा चाय और कॉफी। तो चाय में आपको याद रखना है केरल सेकंड नंबर पर, असम कौन से नंबर पर है? फर्स्ट। ठीक है, लेकिन कॉफी में ऊपर जस्ट कर्नाटक, में कौन सा राज्य ऊपर है? कर्नाटक नंबर वन। ठीक, नीचे आओ रबर में केरल नंबर वन, पूरा भारत पूरे विश्व में नंबर वन। ठीक है, नीचे कार्डेमम इलायची, इलायची इलायची मीन्स मसाला, स्पाइसेस में केरल नंबर वन। तुम लोग को भर नहीं पता है, मिडिल मध्यकालीन भारत से लोगों को पता है, पूरे विश्व में पता था, वास्को डिगामा तक को पता था यहाँ क्या मिलता है मसाला, तुम्हारी लोग को नहीं पता है बस। ठीक है, केरल काहे के लिए फेमस है? अपने मसालों के लिए, इलायची। तुम लोग एक ही तो जानते हो। ठीक है, जो मीट मसाला खाता उसको पूछना, बड़ा इलायची, काला इलायची, या इलायची, वाह इलायची, काका इलायची, उन्हीं लोग जाने। एक से एक गोश बनता है, ये डलता है। ठीक है, उसके लिए उधर जाना पड़ेगा शेख लोग के, उसमें दावत में सेंगो ऊंट बनता है डायरेक्ट। तुम लोग कुत्ता पालते हो, लोग शेर पालते हैं, समझ में आया? क्या पालते हैं? शेर। दूसरा इधर देखो, इधर से इधर, इधर से कौन सा घाट? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ेगा ये। अच्छा, इसका तीन जंक्शन बताया, इस पे तीन जंक्शन पॉइंट। इधर देखो, इसमें एक बनाया अनाईमुदी जंक्शन, एक बताया कार्डेमम हिल। ये नीचे वाला कौन सा हिल है? कार्डेमम। और ये वाला पलानी हिल्स है। ये क्वेश्चन PSC 2016 का है, पलानी हिल्स। ठीक है, किस राज्य में? बाकी दोनों का दोनों केरल तमिलनाडु दोनों में, लेकिन पलानी हिल्स का नाम क्या है? पलानी हिल्स। केवल और केवल तमिलनाडु में, केवल और केवल किस में है? तमिलनाडु में। बाकी ये दोनों के दोनों, अरे नाम ही ऐसी है, मैं कैसे करूं? इसका नाम क्या है? अन्नामलाई तो पूरे का नाम है, इस केवल पहाड़ का नाम क्या है? अनाईमुदी, अनाईमुदी। हाइट इसकी याद रखना है 26.95, 26.95, ये मीटर में होता है। ये जो पलानी हिल्स है, इसकी खासियत ये है, यहाँ पर एक घूमने लायक जगह, हिल स्टेशन, नाम है कोड़े कनाल। कोड़े कैनाल हिल स्टेशन है। क्या नाम है इसका? कोड़ाई कैनाल हिल स्टेशन है। ऊटी नाम सुनिए, ऊटी, ऊटी क्या है? ऊटी कहाँ है? यही है, लेकिन इसके नहीं है। कहां पर है ये? नीलगिरी में। कहां पर है ये?
नीलगिरी में। चलिए अब थोड़ा सा नीलगिरी की बात करते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेंज का नाम नीलगिरी पड़ा, इसके पीछे कारण है यहाँ पर नीलगिरी ट्री की अधिकता है, बहुत ज्यादा नीलगिरी के पेड़ है। नीलगिरी का पेड़ देखे हो? वेरी गुड। उसका तना एकदम चिकना होता है, एकदम चिकना, ठीक है। कहीं भी ये यहाँ पर आपके पार्किंग में हमारे देखना, वो जो पार्किंग है वहां पर कई सारा नीलगिरी का पेड़ है। एक ही तो है, चलिए एक ही तो है तो ना, नीलगिरी देखना है तो ये बाजू में, ठीक है। इन पेड़ों की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? नीलगिरी माउंटेन रेंज। एक बात, दूसरा बात याद रखना है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एक नहीं दो दो बेटा, दोदा बेटा, दो दो बेटा, कितना बेटा? तो बेटा पूछा सारा, ये जितना पढ़ा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी हाइट याद रखना है 26-36, ये कितना अच्छा लगता है बोलने में हिंदी में, फैमिलियर टाइप का, 26-36 मीटर, क्या ये ऊंचाई मीटर में। नीलगिरी माउंटेन रेंज पर और याद रखना है 1986 में नीलगिरी माउंटेन रेंज को पूरे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व? 18। इस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक, वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व, कल बताऊंगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क किसको बोलते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको बोलते हैं, इसमें अंतर कल बताऊंगा, ठीक है। आज का क्लास बहुत लंबा है, फिजिकल बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। पॉलिटिकल में बता दूंगा, पॉलिटिकल खत्म होने के बाद बता दूंगा, 10 मिनट का क्लास है वो, लेकिन अभी याद है ना 1986 में पूरे भारत का पहला बायोस्फीयर कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन रेंज। अंग्रेज लोग क्या यहीं पर बताए ना, ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन कहां पर है? नीलगिरी माउंटेन रेंज पर। अंग्रेजों को जब गर्मी लगता है तो हिल स्टेशन जाते हैं अंग्रेजों, अंग्रेज लोग को जब गर्मी लगता कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन। लेकिन हमारे लोगों को जब गर्मी लगता कहाँ जाते हैं? मामा गांव। कहाँ जाते हैं? मामा गांव। और भी ज्यादा गर्मी लगता टकला हो जाता है गर्मी, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के लोग, ठीक है। अंग्रेजों को जब गर्मी लगता कहाँ जाते हैं वो लोग? हिल स्टेशन। हमारे लोग कहाँ जाते हैं? मामा गांव। और बहुत ज्यादा गर्मी आ गया है कोई क्या हो जाता है? हिल स्टेशन, याद रखना ऊटी हिल स्टेशन। ये भी कहां पर है? नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन रेंज से एक दो बातें और याद रखना है। अच्छा एक चीज छूट गया था, स्किप हो गया था मेन चीज, ये जो अन्नामलाई माउंटेन रेंज है इस पर एक पास है, पास को हिंदी में बोलते हैं दर्रा। एक जगह से दूसरे जगह जाने को क्या कहते हैं? पास। अरे कुछ खेल के तो इससे उसको पास करते हुए पास करे, एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है? पास। तो केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है पालघाट पास, पालघाट पास किसको कनेक्ट करता है? केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है पालघाट दर्रा, पालघाट पास। ये क्वेश्चन कईयों बार आया हुआ है ना, ध्यान से देखना है। चलिए और एक बात याद रखिएगा, इसकी बात करते हैं वापस, अब वापस आ जाओ कहां? नीलगिरी पर अंग्रेज ना ट्रेन चला दिए, एकदम मस्त पतला पटरी इसके ऊपर चल रहा है ट्रेन, तो नीलगिरी रेलवे नाम क्या बोलोगे? नीलगिरी रेलवे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, विश्व विरासत सूची है। टोटल में भारत के 40 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है 40 स्थान। कितने स्थल? 40 स्थल, उसमें से एक याद रखना है। आज एक हुआ है, धीरे धीरे कर कितना ठोकी नाऊंगा? 40। बायोस्फीयर रिज 18 में कितना हुआ है? एक हुआ है, ठीक है। कितना गिनूंगा? टोटल 40। तो दूसरा भी याद रखना है, इसी अन्नामलाई माउंटेन रेंज पर एक जगह और याद रखना है, ठीक है। इसका नाम है अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, अन्नामलाई माउंटेन रेंज के ऊपर है। अन्नामलाई का जो भी बात होगा केरल और तमिलनाडु दोनों में होगा, केवल एक पालनी हिल्स को छोड़कर। पालनी हिल्स प्योर किस में है? तमिलनाडु में है। प्योर में है? तमिलनाडु में। कुछ लिखने का जरूरत नहीं, उधर पीपीटी में सब लिखा होगा, समझ में आ रहा है? हाँ सब चीज मिलेगा। बनाना है तो केवल क्या बना सकते हो आप में?
इतने के बाद अच्छा इधरी, अभी इधरी फोकस करिए। पहला बोला मैं ट्रेन चला दिए, कौन चला दिया ट्रेन? अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर क्या चला दिया गया? ट्रेन चला दिया गया। नाम क्या दिया गया? नीलगिरी रेलवे। आपका काम है यूनेस्को का फुल फॉर्म कल बताओगे मेरे को, यू इसका फुल फॉर्म बताओगे कल, ठीक है? एजुकेशन भी आएगा इसमें, कल्चरल भी आएगा इसमें, सब बताऊंगा, लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए। खुद सर्च करोगे, पहले मैं पूछ लूंगा, जिसका मुंह समझ में आ जाएगा कौन सर्च करके नहीं आया और किसको पता नहीं है। सबका हल, हाँ अल्कोहल नहीं बे गूगल, क्या गूगल, सब कहाँ पता चल। देखो तो ये नीलगिरी माउंटेन रेंज में क्या चला दिया गया? ट्रेन चला दिया गया। ये ऐसा देखो, ट्रेन चलाना पतला ट्रेन सिंगल रूट पर, ऐसा ही एक ट्रेन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और शामिल है, दिल्ली सॉरी कालका शिमला, कालका से शिमला, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, कालका शिमला रेलवे, कालका और शिमला। कालका पड़ेगा हरियाणा में और शिमला कहाँ पड़ता है जान गए? कहाँ? हिमाचल में। तो कालका शिमला रेलवे भी किसमें शामिल है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये क्या होता है? देखो पूरा पहाड़ ऐसे है, इसके ऊपर क्या बना दिए गए हैं? पटरी। तो जो गांव वाँव पड़ता है ना, वो गांव वाले सब अपना दुकान कहाँ लगा देते हैं? पटरी के ऊपर। एक दो वीडियो भी देखे होंगे, जब ट्रेन आने वाला रहता है सब अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के बाहर, ठीक है? जैसे ट्रेन पार हुआ पीर कहाँ बीच जाता है पूरा मार्केट? पटरी के ऊपर, क्योंकि पटरी को प्लेन बनाना पड़ेगा। और इससे अरे यार ऐसी जगह में बनाया दुकान रख, बाहर नहीं बना सकता, बाहर दुकान ऐसे लगाया है तो उसका लौकी ढुल जाएगा, कद्दू वद्दू का बात ही नहीं है। अबे लौकी बोला मैं, ठीक है? उसका लौकी क्या हो जाएगा? ढूल जाएगा, समझ में आ रहा है? धनिया पत्ती ढूल रहा है, पता चल रहा है, मिर्ची ढूल रहा है। तो इसीलिए उसको प्लेन एरिया कहाँ मिलता है? पटरी के ऊपर। तो यहीं पर ये लोग सब क्या लगा देते हैं? अपना मार्केट, देखे हो कभी कभी? फिर वो ट्रेन जाता है, फिर सब मार्केट लग जाता है वापस, ठीक। ये कालका शिमला, यहीं पर दो दो जंगल है, सत्यमंगलम और मेलागिरी। सत्यमंगलम और मेलागिरी। मैं तो मैसेज कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है? अरे और क्या होगा नाम? तू बताई स्पेलिंग मेरे, ठीक है? नहीं मेरे को नहीं आता। तो सत्यमंगलम और मेलागिरी की जंगल है, ये जंगल फेमस है पुष्पा भाई के लिए। काई के लिए? ये देख जस्ट ये लगा हुआ है, देखो उस पार कर्नाटक है और इस पार क्या है? तमिलनाडु। तो इस सत्यमंगलम और मेलागिरी की पहाड़ी में क्या मिलता है? चंदन, सैंडल। सैंडल क्या मिलता है? सैंडल। तो इसका तस्करी करता था एक व्यक्ति का नाम याना वीरप्पन, चंदन तस्कर वीरप्पन, ठीक है? सैंडल और तस्कर का मतलब क्या कहलाता है? अरे अरे तस्कर को क्या बोलते हैं? अरे स्मगलर रे, हाँ सैंडल स्मगलर वीरप्पन, ठीक है? तो देखो ध्यान से, चंदन की तस्करी करता था, तस्करी मतलब स्मगलिंग। उसका नाम था वीरप्पन, देखना मस्त मूछ मूछ लगाएगा, उसके नाम से लोग कांपते थे, ठीक है? तो इस चंदन तस्कर वीरप्पन के द्वारा कहाँ के जंगलों से चंदन पाया जाता था? सत्यमंगलम और मेलागिरी के जंगलों से। इस को मारने के लिए 2004 में, वीरप्पन को मारने के लिए 2004 में एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम पूछता है, ऑपरेशन कुकुन। खून वून नहीं रहे, कुकुन, ऑपरेशन कुकुन। ऑपरेशन कुकुन के तहत किसको मारा गया? वीरप्पन, ठीक है? वीरप्पन को। ये इससे बात याद रखना। अगर ये वेस्टर्न घाट की बात कर, इधर का हो गया, अब वेस्टर्न घाट तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। वेस्टर्न घाट कटा छटा है, कैसा है बोला? कटा छटा है। वेस्टर्न घाट पे आते रहोगे तो ये यहाँ पर एक तो द्वीप पड़ता है, आइलैंड, इसका नाम है पम्बन द्वीप, पम्बन आइलैंड। और इस पम्बन आइलैंड से ऐसा एक देश पड़ेगा, नाम क्या इसका? श्रीलंका। और इन दोनों के भी, ये देखो लास्ट लास्ट पॉइंट ये है आपका कैप कैमोरिन। कैसा इसका मुंह? कैप के आकार का, नाम होता है कैप कैमोरिन। क्या नाम है इसका? कैप कैमोरिन।
देखिए, ये देखिए कैसा मुंह है इसका, कैप के आकार का, कैसा आकार है कैप, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इसको बोला जाता है कैप। कैप कैप किसको बोलोगे, ऊपर एक तरफ इसको लैंड पार्ट मिलना चाहिए, तीन तरफ इसको क्या मिलना चाहिए, वाटरी पार्ट मिलना चाहिए, तब इसको बोला जाएगा कैप। वैसे ही पढ़ना है आपको कैप ऑफ गुड होप, अफ्रीका में क्या पढ़ना है, कैप ऑफ गुड होप, पीछे में जैसा भारत का दिख रहा वैसी किसका है, अफ्रीका का, कैप ऑफ गुड होप, जहां पर भी ये ऐसा बनेगा वो कहलाएगा कैप। तो ये जगह कहलाता है कैप कैमोरिन, बोलो तो, कैप कैमोरिन। और इस कैप कैमोरिन में एक जगह है कन्याकुमारी, नाट कुमारी, कुमारी कन्या इस तरफ, ठीक। दो ठो कोष्ठ याद रखना है आपको, ये पूरा केरल किस कोष्ठ के तहत आता है, मलाबार कोष्ठ, वेरी गुड, इस तरफ मलाबार कोष्ठ। और ये वाला कौन सा कोष्ठ, कोरोमंडल, ठीक है, बताऊंगा मलाबार कोष्ठ का बहुत काम है, कोरोमंडल का ही बहुत काम है। चलो इतना कम से कम डिटेल पहले कर लेते। देखिए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है, पहला बात। भाषा तमिल, टोटल भारत में 6 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, ए सॉरी, टोटल भारत में 6 इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिभाषा को, क्लासिकल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, 6 क्लासिकल लैंग्वेज में एक, ठीक है, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में भी एक, 22 संवैधानिक भाषा में एक, 6 क्लासिकल लैंग्वेज में एक, शास्त्रीय भाषा में एक, कौन, तमिल। यहाँ का मेन त्योहार है पोंगल, एक बार क्वेश्चन पूछा था पोंगल किस उपलक्ष में मनाया जाता है, फसल काटने के उपलक्ष में, पोंगल कब मनाया जाता है, फसल, राजा दिवाली, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, अभी इतने जानो, ठीक है। फसल जैसे इनका कटता है, जेब में पैसा आता है तो त्योहार मनाते हैं, कौन सा, पोंगल। छत्तीसगढ़ में जब फसल कटाई होता है तो कौन सा त्योहार मनाते हैं, मड़ई मेला, क्या, हरेली, हरेली, धान उगा काया हरेली मना रहे लोल। फसल कटाई में हमारे यहाँ का क्या होता है, जगह जगह मड़ई मेला, ठीक है, ये मेला वो मेला, नारायणपुर का मेला, फरस गांव का मेला, विश्व प्रसिद्ध है, छोड़ दे तुम लोग तो आज तक नहीं सुना, मैं नहीं सुने हो, कैसा फेमस है, वर्ल्ड फेमस। बस्तर का दशहरा वर्ल्ड फेमस, 75 दिन का दशहरा, यहीं रहते हो धिक्कार है जीवन, और साफ और सीधी बात, जाते जाते एक्सीडेंट होकर मर गए, क्या देखे, कुछ नहीं सर, ये ऐसा भी जीवन किसी काम का नहीं, ठीक है, अरे मौत तो आनी है, क्या दिक्कत है, कोई उसमें रोक सका क्या उसको, चला के चल। एक यहाँ का त्योहार याद रख, जल्ली कट्टू, जल्ली कट्टू, बैल दौड़, बैल दौड़, भाई का दौड़, बैल दौड़, ठीक है। अभी ये इस पर हाई कोर्ट बैन लगा दिया था, चेन्नई हाई कोर्ट, बाद में इसको फिर रिलीफ किया गया। त्योहार का नाम याद रखना जल्ली कट्टू, त्योहार का नाम जल्ली कट्टू। पोंगल मेन त्योहार कौन सा यहाँ का, पोंगल। अब यहाँ का प्रमुख नृत्य याद रखना है भरतनाट्यम, ये आज भी पढ़ा रहा हूं और 10 पढ़ाऊंगा तो भी भूल जाओगे, मेरे को पता है, ठीक है। कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ये सब ओड़म, ये सब आएगा ना, 4-5 ठो लाइन से ताले गया पार। तो देख तमिलनाडु भरतनाट्य, देख तमिल भरतनाट्यम, एक बराबर मिलता हुआ नाम है, तमिलनाडु भरतनाट्यम, तमिलनाडु भरतनाट्यम, तमिलनाडु भरतनाट्यम याद रहेगा, ठीक है। कथक आएगा अलग, कथकली आएगा अलग,
ठीक है, कथक अलग है, कथकली अलग है, ठीक है, बहुत सारा नाम आएगा। तो ये भरतनाट्यम 8 क्लासिकल डांस में 1 क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य है। 8 क्लासिकल डांस, कितने क्लासिकल डांस? 8 क्लासिकल में 1, 6 क्लासिकल लैंग्वेज में 1, कौन? तमिल। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में भी शामिल है, ठीक है, तमिल। यहाँ का प्रमुख त्योहार क्या है? पोंगल। प्रमुख त्योहार कौन सा है? पोंगल। और ये कब होता है पोंगल? किस उपलक्ष में मनाया जाता है? तो फसल वर्ष की समाप्ति के उपलक्ष में मनाया, ठीक है। एक और त्योहार बताया, जल्लूकट्टू। प्रमुख प्रजाति, देखो बहुत सारे आपको प्रजातियां पढ़नी है, कैसे? मंगोलियाइट पढ़ना है, ठीक है, द्रविड़ पढ़ना है, इसी में क्या आएगा, और एक तो तुम्हारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई आएगा, तो द्रविड़ याद रखना है। इधर कौन से प्रजाति के लोग हैं? द्रविड़, ठीक है। इसीलिए इधर की मंदिर निर्माण शैली भी क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ आर्ट में इधर का क्या बना रहेगा? मंदिर। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां, ठीक है, मंदिर निर्माण की कितनी शैली? 3 शैली, ठीक है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, मतलब 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? 996। हर 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? 996। इसके साथ पूरे इंडिया में सेकंड पोजीशन, लेकिन 1000 लड़कों की तुलना में 1024 लड़कियां केरल लिंगानुपात में टॉप पर, ठीक है। सेक्स रेशियो सबसे अच्छा कहाँ का है वो मैं ऐसा तुम लोगों को ट्रिक बताऊंगा, याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो सब ये रटते हैं, ये सब का फार्मूला बताऊंगा जनजाति जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब का तरीका बताऊंगा, आपको नहीं भी पता रहेगा। आपको मान लो पूछ दिया 7वें नंबर पर लिंगानुपात कौन से राज्य का है, तब तो नहीं याद कर सकते ना, पहला तो कोई भी कर लिया, दूसरा छत्तीसगढ़ का 993, वो ये याद कर लेगा, 7वां 8वां 9वां ऐसा पूछेगा तब आपको मेरा याद आएगा, समझ में आया? छोड़ो शिशु, ये छोड़ दे, विधानसभा सीट, लेजिस्लेटिव सीट 234, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितनी है? 90, कितनी है? 90, जबकि तमिलनाडु में विधानसभा सीट कितनी है? 234। अकॉर्डिंग टू एरिया छत्तीसगढ़ ज्यादा बड़ा है, अकॉर्डिंग टू एरिया कौन बड़ा है? छत्तीसगढ़। लेकिन इन सीटों का निर्धारण होता है बेटा पॉपुलेशन से, जनसंख्या जितना ज्यादा होगा सीट उतना ज्यादा होगा। 22 करोड़ अकेला उत्तर प्रदेश, 21 करोड़ तो वो पहले था जनगणना में, अभी तो 25-30 करोड़ हो गया होगा, 25 करोड़ प्लस ही हो गया होगा, तो इसीलिए वहां की सीट, वहां पूरे छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन 2.5 करोड़ था, अभी 3 करोड़ ले देख हुआ होगा, 10 साल से जनगणना नहीं हो रहा है, तो अभी ले देखे छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन कितना हुआ होगा? 3 करोड़, इसीलिए ऐसा सीट का पोजिशन है। तो ये डिपेंड किस पर करता है? पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर। तो देखो 234 याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो 200 प्लस है, इतना तो याद रखो। अभी मैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें तो याद कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव सीट की संख्या कितनी है? 234। ओके, यहाँ पर लोकसभा सीट, लोकसभा को लोकसभा ही बोलोगे, राज्यसभा को राज्यसभा ही बोलोगे, लेकिन इसके मेंबर जो चुन के आते हैं उसको बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों के मेंबर को क्या बोला जाता है? MP। लोकसभा, और हिंदी वाले बोलते हो सांसद, हिंदी वाले क्या बोलते हो? सांसद। और तुम लोग क्या बोलते हो अंग्रेज? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, लोकसभा सीट 39। ये जो लोकसभा सीट है इससे इलेक्शन होता है PM का, प्रधानमंत्री का। ये लोग चुनते हैं किसको? प्रधानमंत्री को, और दोनों मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। राज्य का प्रधानमंत्री के चुनाव में कोई हाथ नहीं होता, ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शन है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, सारा चीज आगे देखेंगे, ठीक है। ये इसको, ये जो चुन कर आता है उसको MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA बोलते हैं विधायकों को। इनको बोला जाता है MP,
लोकसभा के सदस्य को भी और राज्यसभा के सदस्य को भी, दोनों को क्या बोला जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18। ये मात्र इंट्रोडक्शन था, जानना था किसके बारे में आपको, तमिलनाडु के बारे में। चलिए, अन्नामलाई माउंटेन रेंज, सबका ध्यान आ जाना चाहिए अब कहां पर, अन्नामलाई माउंटेन रेंज, ये रहा अन्नामलाई माउंटेन रेंज। ठीक, दोनों में से जिसका काम पड़ेगा वो डायग्राम निकल आएगा। अन्नामलाई का विस्तार केरल से लेकर तमिलनाडु पर है। ठीक है, इसके मध्य में सबसे ऊंची चोटी का नाम बता चुका हूं मैं आपको, अनाईमुदी। पीक पॉइंट ऑफ अन्नामलाई माउंटेन रेंज या पीक पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया, दोनों बोलेंगे तो भी क्या जाएगा, अनाईमुदी। 2695 मीटर। ओके, आगे चलें। इसी में पालघाट पास पड़ा था। पालघाट दर्रा केरल को किससे जोड़ता है? तमिलनाडु से जोड़ता है। कारडेमम की पहाड़ी सबसे नीचे क्या बताया था? कारडेमम हिल्स। कारडेमम हिल्स अन्नामलाई पर्वत के सबसे नीचे, लोवेस्ट। ठीक है, ये मसालों के लिए फेमस है। कारडेमम का मतलब ही क्या होता है? इलायची। इसीलिए इसको बोला जाता है इलायची की पहाड़ी। काय की पहाड़ी? इलायची की पहाड़ी। कारडेमम हिल्स बोले चाहे इलायची की पहाड़ी बोले, मतलब एक ही है। ठीक है, भारत मसालों में किस नंबर पर है? इसी कारण फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, वास्को डी गामा ये मसाला लेने चल केरल में, छोड़ तमिलनाडु में। रबर, बीच में क्या है बोला मैं, रबर। तो रबर में भी भारत का पोजीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में? नंबर एक। पर याद रखना एमआरएफ, बाजू में एमआरएफ टायर मिलेगा। आपका फूल पाम मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है, एमआरएफ का टायर, चाय। अन्नामलाई का ऊपर क्या मिलेगा? चाय और कॉफी की खेती होती है। भारत दूसरे नंबर पर, भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। किस पर? चाय में। पहले में चीन। ठीक है, अगर मैं बात करूं केरल का, तो केरल चाय में सेकंड है, पहला असम। पहला कौन है? असम। ओके, चलिए। अगस्त मलाई क्या है? ये अगस्त मलाई 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, कौन सा माउंटेन रेंज, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, और साथ में याद रखना केरल भी आएगा। आएगा केरल भी आएगा। ठीक है, नीलगिरी पर्वत का नाम यहां पर नीलगिरी पेड़ों की अधिकता के कारण हुआ। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है, ही कनेक्ट ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट। ठीक है, मेलागिरी सत्यमंगलम के जंगल फॉरेस्ट, मेलागिरी और सत्यमंगलम के जंगल किसके कारण फेमस है? सैंडलवुड्स के कारण, चंदन के पेड़ों के लिए फेमस है। ठीक है, यहीं पर चंदन तस्कर वीरप्पन को मारने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन कुकुन। ठीक है, गिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, एक बेटा नहीं कितना बेटा, दो दो बेटा, 26 36, एक बेटा 26 का दूसरा 36 का, कभी कभी ऑप्शन में 26 37 भी मिलता है, लेना है। लेकिन दोनों ऑप्शन में होगा नहीं होगा भाई, एक ही होगा, 26 होगा नहीं तो, सॉरी 36 होगा नहीं तो 37, 26 36 26 37, 26 36 26 37 मीटर, दोनों याद रखना। ऊटी एक यहाँ का क्या है? हिल स्टेशन। इसी का आजकल एक नया नाम है ऊटा कमांड, ये क्या नया नाम दे दिया, ऊटक मांड इसी को बोलते हैं। ऊटी का एक और क्या नाम है? ऊटक मांड, हिल स्टेशन है। नीलगिरी श्रेणी भारत पहला बायोस्फीयर किया गया था कब? 1986 पे, 1986 में इसे भारत का पहला क्या घोषित किया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ओके, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पहला भारत। नीलगिरी रेलवे, अंग्रेजों के द्वारा नीलगिरी पर ट्रेन चलाया गया, इसको यूनेस्को के द्वारा किसमें शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्तमान में भारत में कुल 40, कितने? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत सूची में शामिल। कुल कितने स्पॉट है हमारे यहाँ से? 40। ओके, मानसून, अब इधर आ जाओ, अब अपने को जरूरत पड़ा किसका, समय बहुत है। चलिए, जो वीडियो देखने बोला था वो देखे हो या नहीं देखे हो? नहीं देखे हो, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा। ठीक है,
बस इतना ही मिटेगा और नहीं मिटेगा। इधर देखिए, ये है पृथ्वी, ये है इक्वेटर लाइन। कौन सा लाइन है? इक्वेटर लाइन। जो चीज पढ़ा रहा हूं ना, शायद ही कोई पढ़ाएगा बाबू, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। अब इधर से देखो, इधर पूरा सी है, सी पार्ट ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज्यादा, देख दक्षिणी गोलार्ध पूरा समुद्र, नीचे जितना दिख रहा पूरा सी, पूरा सी, ठीक है। उसी में सब पढ़ते तो पता चलता, चीखता चालीसा किसको बोलते हैं, पचासा किसको बोलते हैं, ठीक है, साठा किसको, ये सब उसमें समझ में आता। चार्ट वीडियो देख लोगे। इधर से देख, अगर हवाएं साउथ हेमिस्फीयर से आता है, विंड्स साउथ हेमिस्फीयर से कहां गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इनकी दिशाएं ऑटोमेटिक दाईं ओर मुड़ जाती है। हवाएं किस ओर मुड़ जाती है, हमेशा याद रख। दक्षिणी गोलार्ध से जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध से जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ये नियम मेरा नहीं है, ये नियम किसका है कौन बता सकता है? ये मेरा नियम नहीं है, इसको एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इस नियम को प्रतिपादित किया। नाम क्या उसका? फेरल का नियम। क्या कहलाता है? बार बार क्वेश्चन पूछता है, फेरल का नियम सब मिलेगा उसमें। फेरल का नियम, क्यों व्यापारिक पवनों का नाम व्यापारिक, पछुआ पवने क्या होती है, व्यापारिक ट्रेड विंड्स क्या है, पछुआ पवने क्या है, समझ। चार ठो वीडियो है लेकिन बड़े काम का, ठीक, क्योंकि इन चीजों को आप रट लोगे एक दिन, बस एक दिन, कल कहानी खत्म। तो देखिए मैं क्या बोला, अगर ये पवने दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है, और ये रहा तेरा क्या, इक्वेटर लाइन। ये देखो, ये पवने आई ऊपर, इन पवनों का नाम है मानसून विंड्स, मानसूनी पवने। कौन सी पवने? मानसूनी पवने। मानसूनी पवनों का प्रवेश हुआ और जैसे ये पवने आई किधर मुड़ जाएगी, अपने दाईं ओर, अपने दाईं ओर, और किससे टकराएगा जाके, ये इससे क्या टकराएगा, ये तो कोस्ट का नाम है, जैसे रोड का नाम है NH 53, वो तो इस घाट का नाम है, टकराएगा इससे, किससे टकराएगा, वेस्टर्न घाट से, किससे टकराएगा, वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से टकराया। वेस्टर्न घाट से टकराने के पश्चात ऑलरेडी नाम है इसका मानसून विंड्स, ठंडी है, भारी है, ऑलरेडी इसके भीतर क्या भरा हुआ है, जल, इसके अंदर क्या है, वाटर। मानसून पवने से क्या होता, अभी क्या गिर रहा है, ये कौन सा बारिश है, मानसूनी, कौन सा बारिश है, ये मानसूनी। तीन, ये हवाएं ऑलरेडी ठंडी होती है, भारी होती है, ये आके टकराया पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट का एवरेज ऊंचाई 2500 मान ले, 2000 मान ले, मीटर में बता रहा हूं, मीटर। अब एक नियम याद रखना है, प्रति 165 मीटर ऊंचा जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आती है, गिरावट। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आती है, गिरावट। अब देखो 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, 1 किलोमीटर में लगभग 8 डिग्री, 1500 मीटर में 10 डिग्री और कम हो गया, उस हवा जो गर्मी था वो एकदम ठंडा हो गया हवा, उस पार जाने से पहले इसी पार रदबद गिरना चालू, नहीं संभाल पाया, पानी यही छोड़ देगा, समझ में आया, पानी गिरना चालू। तो पूरे दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पानी गिरेगा कहां पर, किस कोस्ट में, मलाबार कोस्ट में। तो पूरे दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर होगा, मलाबार कोस्ट। ये हवाएं टकराई, टकराने के बाद हवा मन करेगा उधर नहीं चल देगा, हवा मजबूरी है ऊपर जाएगा, कुछ हवाएं टकरा के इधर इधर फेंकाएगा, कुछ हवाएं टकरा के किधर फेंकाएगा, साइड साइड में, कुछ हवाएं टकरा के इधर फेंकाएगा, इधर देखो कुछ हवाएं टकरा के इधर फेंकाएगा, लेकिन बाकी की तो मजबूरी है ऊपर चढ़ना ही है। जो हवाएं टकरा के ऊपर चढ़ते गई, धीरे 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 हाइट बढ़ते जा रहा है, और ठंडा होते जा रहा है, अंत में नहीं हो पाएगा बोल के वहीं गिर जा रहा है। पूरा रेनफॉल कहां पर हो रहा है, कौन सा घाट, वेस्टर्न घाट के कारण, कौन सा तट, मलाबार कोस्ट, कौन सा कोस्ट,
मलाबार, तो मलाबार तट पर भयानक पानी गिर रहा है, लेकिन अब इस पार ये पानी तो जा नहीं पा रहा है, मानसून पौने उस पार जा नहीं पा रही है, ये ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा, तो कहीं छटा फटा वहां से थोड़ा बहुत गया, एक आध दिन गिरा फिर निकल गया, आगे गई है, आगे गया जहां तक जा सकता है, उसके बाद एंट्री किया, यहां से कहां खत्म हुआ पूर्वी घाट, उसके बाद क्या हुआ अंदर एंट्री घुसना चालू। जब भी ऐसा कोई पहाड़ डिस्टर्ब डालेगा इसके पीछे उस पार रेनसेडो एरिया बन जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा, इस पार मरे जी पानी गिर रहा है, उस पार सूखा पड़ा है, ऐसे एरिया को बोलते हैं रेनसेडो एरिया। मुंबई पानी से त्राही त्राही कर रहा है, पुणे वाला भूख मर रहा है, आए दिन पुणे का किसान क्या कर रहा है आत्महत्या, इस पार मुंबई में मरे जी पानी, रोज पानी गिर रहा है, रोज पानी गिर रहा है, लेकिन ये क्या यही पश्चिमी घाट उस पार जाने नहीं दे रहा है, ये कहां था का? पूरा महाराष्ट्र पता है ना कहां से आ रहा है महाराष्ट्र, तो उस पार जाने नहीं दे रहा है, उस पार जा नहीं पा रहा है, तो उस पार पानी गिर नहीं पा रहा है, तो उस पार का क्षेत्र क्या कहलाता है रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया। अब ये रहा आपका छत्तीसगढ़, थोड़ा सा इसी बना दे रहा हूं यहीं पर छत्तीसगढ़, और इधर से भी ऐसा नहीं कि इधर से टकरा वकरा कैसे भी घुसेगा ले दे के घुसा ऐसे, तो ये छत्तीसगढ़ में वर्षा किस ब्रांच से होता है पूछता है, देखो दो ब्रांच में कट गया, ये वाला कहलाएगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी शाखा, और ये वाला कहलाएगा अरब सागरी शाखा, अरेबियन सी ब्रांच, दो ब्रांच में छत्तीसगढ़ में पानी गिरेगा, एक गिरेगा बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच, दूसरा कौन सा ब्रांच अरेबियन सी ब्रांच, किस ब्रांच से ज्यादा पानी छत्तीसगढ़ में गिरेगा, बंगाल की खाड़ी ब्रांच, क्योंकि अपन इससे पास में है, तो छत्तीसगढ़ में जितना भी वर्षा होता है उसका 90% भाग बंगाल की खाड़ी ब्रांच से गिरता है, और 10% किससे गिरता है अरेबियन सी ब्रांच से, सब रटने का जीवन में जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ में आया, कुछ रटने का जरूरत, ये याद हुआ। तो मानसून पौने 1 से लेकर 5 जून के बीच सबसे पहले टकराएगा मलाबार तट से, मलाबार तट मतलब केरल से, तो मानसून पौने 1 से 5 जून के बीच कहाँ पहुंच जाएगा केरल में, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करेगा दक्षिण भारत में, कहाँ पर मलाबार कोस्ट पे, कहाँ पर करेगा मलाबार कोस्ट पे, ठीक है चलो अब ये कहा बोलता है देखते हैं। मानसून भारत में दक्षिण, अच्छा इसका डायरेक्शन देखो, अब ये क्वेश्चन बार बार पूछता है भैया इसका डायरेक्शन बता, बोलता है इधर देखो ये डायरेक्शन बताइए, ये देखो नॉर्थ साउथ, ये ऐसे आ रहा है, ये आ ऐसे रहा है, इसको बताना है आपको दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो मानसूनी पौने साउथ ईस्ट की दिशा पूछेगा, क्या बोलता है पूछेगा दिशा साउथ ईस्ट दक्षिण पश्चिम, तो भारत में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम हवाओं से या दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है ये बार बार क्वेश्चन पूछता है मानसून पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम, ठीक ठीक है दक्षिण पश्चिम हवाओं से होती है। सर्वप्रथम मानसून केरल के तट पर 1 जून से 5 जून के बीच आ जाएगा, ये मानसून पवने अन्नामलाई पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है, अन्नामलाई लगभग 3 किलोमीटर फैली हुई मतलब ऊंचाई पर है, 3 किलोमीटर ठीक है, प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में कितने की कमी आ जाती है 1 डिग्री की कमी आ जाती है, और वायु ठंडी होकर क्या करने लगती वर्षा करने लगती है, इसीलिए केरल का मलाबार तट सबसे ज्यादा वर्षा गेन करता है, तो दक्षिण भारत में भी सबसे ज्यादा, ठीक है ये भी याद रखना है क्या पूरे दक्षिण भारत में, लेकिन अगर क्वेश्चन आया पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है मासिन राम, कहाँ पर होता है मासिन राम में, पहले चेरापूंजी था फिर क्या हुआ मासी, ये आए दिन बदलते रहता है, ठीक है ये मासिन राम है डबरा पारा चेरापूंजी है, बात समझ में आई, ये मासिन राम है डबरा पारा क्या है चेरापूंजी, थोड़ा सा उधर उधर गिर गया, ये जाके हवाएं ऐसे फंस जाती है लॉक हो जाता है, ये ऐसा ऐसे इस पोजीशन में लॉक हो जाता है, हवा जाता है नहीं कुछ कर पाता, इधर से हवा घुसे पड़ा है बस,
ऐसे घुसता है, टकराती है, उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, एक ही काम है पानी का, बस दिन रात क्या पानी गिराना, क्या गिराना, पानी गिराना। ऐसे जाके फंस जाता है पहाड़ों के बीच में मानसूनी हवाएं, कहां पर, चेरापूंजी मासिन राम में। इसीलिए सबसे ज्यादा पानी कहाँ गिरता है, मेघालय, नाम ही है मेघों का आलय मेघा, ठीक। चलिए ये ठंडियों का, इसलिए केरल का मलाबार तट पूरे दक्षिण भारत सबसे ज्यादा क्या करता है, रेनफॉल गेन करता है, सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पर होगा, मलाबार कोस्ट पर, साउथ इंडिया में ना, लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, मासिन राम में, कहाँ होगी तो मासिन राम में, ठीक। कावेरी नदी, चलिए थोड़ा सा इसको भी देखो, वैसे तो बता तो चुका था ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलेगा, कर्नाटक से उद्गम होगा, ठीक है, 805 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है, 805 किलोमीटर टोटल लंबाई है। छत देखो इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान मेरी बजाय दिखना, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा, अरे चुप कुछ भी बोल कावेरी चुप, लोल क्वेश्चन ऐसी आएगा, दक्षिण की गंगा, ठीक है, गंगा आप साउथ कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा, अगर इंडिया वर्ड लगा गोदावरी, अगर इसमें इंडिया वर्ड लग रहा, भारत वर्ड लग रहा है गोदावरी, अगर इसमें ओल्ड गंगा बूढ़ी गंगा बोलेगा तो भी गोदावरी, तो मात्र आपको कावेरी का आंसर लेना है, दक्षिण की गंगा, गंगा आप साउथ, अगर इसमें इंडिया वर्ड लग रहा है या ओल्ड लग रहा है कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है कहां चल देना है, गोदावरी पर, ठीक है ना, यही क्वेश्चन ध्यान देना है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत, भारत वर्ड लगा मतलब गोदावरी और दक्षिण की गंगा मतलब, ठीक। 805 किलोमीटर लंबा है टोटल, आखिरी में तंजावर का डेल्टा बनाता है, ये दो टोक इस पर डैम है, 805 किलोमीटर टोटल लंबाई है, पूरे दक्षिण की सबसे पवित्र हॉली रिवर, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, इसमें हमेशा क्या भरा रहता है, पानी, बारों के बारों महीने ये हमेशा इसमें पानी रहेगा एवरी टाइम, बाकी नदियां मौसमी होती है, इस पर डिपेंड करता है वेदर पर, बरसात में बहेगा बाकी समय सूखा पड़ा है, लेकिन ये जो कावेरी नदी है ये पूरा 12 के 12 महीने क्या क्या रहता है इसमें पानी। इसका बहुत बड़ा कारण है कि तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर जनवरी में भी बरसात होता है, किससे होता है, तो ये जब मानसून जा रही है ना ये वापस आई, तो नवंबर दिसंबर में जो तमिलनाडु पर पानी गिरता है उसको बोलते हैं रिवर्स मानसून, लौटता हुआ मानसून, कौन सा मानसून, रिवर्स मानसून या लौटता हुआ मानसून से वर्षा कहां पर होता है, तो तमिलनाडु में, कब होता है, तो नवंबर दिसंबर के समय ठंड में यहां पर पानी गिरेगा, इसीलिए ये सब कारणों से क्या करता है ये हमेशा ये क्या रहता है, सदा नीरा रहता है। लेकिन कावेरी नदी के पानी को लेकर बहता कहां कहां है, कितना में हो रहा है, एक दो, और यहां पर एक यूनियन टेरिटरी पड़ेगा, नाम है पांडिचेरी, नाम क्या उसका, पांडिचेरी, तीन, दो स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो चार राज्यों में फैला है, कितने राज्यों में, चार राज्य, एक जगह नहीं है, ठीक है, चार जिले हैं पांडिचेरी में, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम, कितने जिले हैं, चार, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम, तो पांडिचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है, और माहे और यनम आंध्रा, चार जिला चार, तीन राज्यों में, कितने राज्यों में, तो ये पांडी, लेकिन नाम पांडिचेरी कहां पर है, पांडिचेरी जिला कहां पर है, यहां पर, इसीलिए क्या बोल दिया जाता है, केंद्र शासित पांडिचेरी को यहां लोकेट किया जाता है, बात समझ में आई, पांडिचेरी नामक जिला कहां पर है, यहां, और पांडिचेरी में कितने जिले, चार, कितने राज्य पहले, तीन, पांडिचेरी कराईकल यही मिलेगा, लेकिन यनम सॉरी माहे यहां मिलेगा केरल में, कहां मिलेगा, केरल में, और यनम कहां मिलेगा, आंध्रा में, कहां मिलेगा, आंध्रा में। चलो पवित्र नदी, पवित्र नाम साधु नाम, चलिए कावेरी नदी,
ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से उद्गम होता है, कर्नाटक तमिलनाडु पांडिचेरी में बहता है, ठीक है। इसके जल को लेकर अगर जो वाटर डिस्प्यूट है वो चार, तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इसमें अगर किसको जोड़ दोगे, केरल को, इसको जोड़ दोगे केरल को, तो इसके जल को लेकर, इसके वाटर को लेकर किस किस राज्य में कितना कितना पानी बहना चाहिए, इनको लेकर चार, तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद है, डिस्प्यूट बोलते हैं इसको, वाटर डिस्प्यूट, कितने इसको लेकर कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, बार बार ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर, दक्षिण गंगा के नाम, दक्षिण की गंगा, ये देखो दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा क्या जाएगा, कावेरी जल विवाद, कर्नाटक तमिलनाडु पांडिचेरी और इसमें एक और नाम याद रखना केरल, ठीक है। इस पर मैटूर डैम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और कृष्णा राज कहाँ पर है, वेरी गुड, रामेश्वरम, कौन सा जगह, रामेश्वरम, ठीक है। कौन से द्वीप पर है, पम्बन द्वीप, इधर देखो, ये एक द्वीप बताया मैं, कौन सा द्वीप, पम्बन द्वीप। इस पम्बन द्वीप से आगे जाएंगे तो यहां पर ऐसे, यही रामेश्वरम है, पम्बन द्वीप में ही क्या है, यहां से लेके श्रीलंका के धनुषकोटी तक, श्रीलंका के धनुषकोटी तक एक ब्रिज बना है जिसे राम सेतु ब्रिज के नाम से जानते हैं। राम सेतु ब्रिज का ही एक और नाम है आदम का ब्रिज, आदम का पुल, पुल ऑफ आदम, आदम का ब्रिज, आदम का पुल या राम सेतु पुल, ये है कोई कुछ नहीं रे, क्या हुआ है, कोरल रीफ, नाम सुने कोरल, मुंगा, मुंगा जीव, कौन सा जीव, मुंगा जीव, मुंगा जीव क्या करता है, एक खोल में रहता है, कवर में, सुतई जानते हो, सुतई, गाँव वाँव में जाओगे तो गाँव की महिलाएं सीपी, हाँ तुम्हारे लिए सीपी, अंग्रेज हो ना तुम लोग, ठीक है, वो उसका छलनी बनाता है, जब ना क्या बनता है, आम का अचार, तो गांव में महिलाएं तो सेफ करता है, यहाँ पर फंसे रहता है, तुम लोग का एक तो ऐसा वाला आता है, बने सुर मेरा छिलनी, ठीक है, अरे वो लगवा सूता ही रहता है, ऐसे हाथ में फंसेगा, इस पे छेद रहेगा, रट 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 महिलाएं करते जाएगी, आम को फेंकते जाएगी, छिला गया पूरा आम एक बार ऐसे घुमाने पर, उसको बोलते सुतई, क्या बोलते हैं, सुतई, गांव में आज इसी परंपरा से आम का अचार बनाया जाता है। तो वही जो, अब एक तरफ ये हुआ ढक गया, इसके अंदर में छोटा सा जीवे देख, यही क्या है, मूंगा, क्या ये, मूंगा जी ऐसे, लेकिन ये जो इस खोल पर रहता है, अरे बहुत सारा नाम है, मैं बोल रहा हूँ कोरल, बोल कोरल, ठीक है, अंग्रेज लोग, ये कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, काय का खोल होता है, एक सीपी मरता है उसके ऊपर दूसरा सीपी, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से, ये अगर तल है समुद्र का और ये अगर टॉप है तो यहां तक ऐसा बना के चढ़ता है, कल समझाऊंगा इसको ढंग से, ठीक है। और ये बनते 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 चट्टान का रूप ले लेता है, रॉक चट्टान बन जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ के द्वारा बनाया गया चट्टान कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, 2000 किलोमीटर, इतना मजबूत हो जाता है अगर ये चट्टान ऐसे खड़ा है और कोई जहाज पार किया, दो भाग में से काट देता है, किसको, जहाज को, समझ में आ रहा, इतना मजबूत हो जाता है, लोहा टाइप का, प्लेट टाइप का। अरे आपने क्या कभी सीमेंट के बोरी को नदी वदी में पड़े देखा है या पानी वानी में देखा है, वो पत्थर नहीं बनता, वो चट्टान बन जाता है, हार्ड नहीं चट्टान बन जाता है। अब वो एक तुम्हारा देखा हुआ है, अब वो कब से पड़ा हुआ है, तो ये कोरल क्या करता है, एक के ऊपर एक मरते जाएगा, दूसरे के लिए आवास खाना दोनों मिल जाता है, तो वहीं जाके फिर मर जाता है, ऐसे 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 पूरा ये क्या बना लेते हैं, चट्टान का रूप ले लेते हैं। ये इतना बड़ा सेवर है किसका, ऑस्ट्रेलिया का, पूरे ऑस्ट्रेलिया को बचा के रखा हुआ है, हम इसी कारण सुनामी रोक सक रहा है, देख क्या नहीं आ पाता सुनामी, अब सोच ले उसको, ग्रेट बैरियर रीफ को, ये मुंगा चट्टान। तो ये मन्नार की खाड़ी है, ये क्या है पूरा इधर, इतना क्या कहलाएगा, मन्नार का खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, क्या कहलाएगा, मन्नार की खाड़ी, ध्यान से सुनो,
ये है पम्बन आइलैंड, ये श्रीलंका, दोनों के बीच एक ब्रिज, और ये जो खाली जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ये गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर करोड़ों घूम रहे हैं कोरल, मूंगा जीव कितने हैं करोड़ों के तादाद में, और ये सब क्या बना, ये इसी से बना हुआ है, ठीक है। अब लेकिन रामायण की जनश्रुति का बात करेंगे तो वो बोलेगा नल और नील थे, उन्होंने निखर राम फेंका, पथरा तैरने लगा। नल और नील को जानते हो? हाँ, नल और नील सुग्रीव के क्या थे, शिष्य थे के पुत्र थे, अब जो भी थे उसके सेना में थे नल और नील। वो क्या किए, राम भगवान का नाम लिखे और पत्थर को क्या किए, समुद्र में फेंके, पत्थर तैरने लगा। बोले वाह चमत्कार है, सब ऐसी करना चालू कर दिए, ब्रिज बनना चालू हो गया। ये बात पता चला उधर रावण को, क्या कि अगर राम पत्थर के ऊपर राम लिख दोगे पत्थर नहीं डूबता। रावण बोले वाह मेरा नाम कभी लिखूंगा नहीं डूबता। ये बात सुन के पूरा श्रीलंका आ गया देखने, लंका पूरा इकट्ठा हो गया समुद्र किनारे, और मस्त रावण लिखा अपने नाम रावण, मंत्र वंत्र पड़ा, पत्थर फेंका, पत्थर तैरने लगा, पत्थर क्या करने लगा तैरने लगा, तो पत्थर क्या बोला था, डूबना मत तुझे श्री राम की, ठीक है। ये सब रामायण कथा कहानियों की बात छोड़ो, लेकिन आपको पता है कि ये किससे बना है, कोरल रीफ से, किससे बना है मूंगा चट्टान से, किससे बना है मूंगा चट्टान से। चल इधर आप पम्बन आइलैंड, वहीं पर कौन सा है, रामेश्वरम, पम्बन आइलैंड में ही क्या है, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहां पर है, पम्बन आइलैंड में। चलिए देखिए श्री राम जी के द्वारा निर्मित यहाँ पर क्या है, शिवलिंग, ठीक है। ये प्रसिद्ध रामेश्वर धाम पम्बन नीम पर स्थित है। आपको ये याद रखना 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है ये, और 4 धाम में एक धाम, ठीक है। हिंदुओं का कितने धाम, 4 धाम, 4 धाम में एक धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग, नाम क्या है इसका, रामेश्वरम, ठीक है। कोरल रीफ के कारण उथला श्रीलंका तक जाने के लिए आदम का ब्रिज बना हुआ है, इसी को आदम का पुल या आदम का ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक है तो याद रखना, पम्बन आइलैंड से लेके श्रीलंका के धनुषकोटी तक, 2 किलोमीटर लेंथ है इसका, कितना है 80 किलोमीटर। अब एक याद रखना, मन्नार की खाड़ी दिखाया था, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी करोड़ों की संख्या क्या रहते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। एक और बायोस्फीयर रिजर्व मिला, 3, कितने हो गए 3, कौन सा, नीलगिरी 1, अगस्त मलाई 2, और मन्नार की खाड़ी 3। लेकिन अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, क्या वर्ड लगा इसके साथ, जैव विविधता में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा आएगा, मन्नार। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण ऑफ कच्छ, गुजरात में बताऊंगा, कच्छ का रण सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन अगर बात बायोडाइवर्सिटी की कर देंगे, जैव विविधता की, जैव बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता, जैव विविधता, अनेक प्रकार के जीवों का जहां पर मिलना होगा वहां पर वो क्या कहलाएगा, जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा जाएगा, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। लेकिन नॉर्मल बात करेंगे कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है तो कच्छ का रण। अच्छा क्वेश्चन आता है क्रम से जमाने, बड़ा छोटा ये जानने भर से नहीं होगा, ठीक है। नाम आज 18 का सिर्फ मुंह से नाम बस बता देना 18 का, मैं बड़ा छोटा मैं परवा दूंगा ना भाई, आप नाम तो जानते चलिए। ये जितने पिक पॉइंट्स हैं, जितने पहाड़ हैं, जितनी नदियां, लाइन से तो आएगा, यही तो टॉपिक में आएगा, ज्योग्राफी में है क्या चीज, और नदी पहाड़ जंगल समझ में आ रहा है, यही तो टॉपिक पे आएगा। मूंगा कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पे रहता है, ये सब छोड़ दो। इस मूंगा चट्टान को साफ करने के लिए 2014 में भारत सरकार एक योजना लाया था, नाम था उसका सेतु समुद्रम योजना। भाई साहब क्या होता है देखो, अब आप लोग को ज्यादा बताने में डर लगता है लेकिन बताना तो पड़ेगा। इधर देखिए, ये मूंगा चट्टान से भर गया, तो अगर ये देखो मैं यहां पर बनाता हूं, अगर ये पूरा भर गया है
ये देखो ये भारत है, ये श्रीलंका है, और इसके बीच में गल्फ ऑफ मन्नार, यहीं पर पाक स्टेट बताया था। भारत को इससे अलग कौन करता है? पाक स्टेट। इधर पूरा भर गया, ये पूरा, ये यहाँ पर पूरा क्या है आपका? मूंगा चट्टान। यहाँ पर पूरा क्या है? मूंगा चट्टान। अब भैया इमरजेंसी में ये देख, मुंबई के बंदरगाह को आंध्र प्रदेश के बंदरगाह में जाना है एक नाव को, तो ये मस्त यहाँ से घुस के यहाँ से जा सकता था, लेकिन सामने में तो मूंगा चट्टानों का दीवाल है, पूरा जहाज फाड़ देगा, इसीलिए मजबूरन क्या घूमना पड़ता है। इसीलिए इसको साफ करने की योजना बनाई गई सरकार के द्वारा, नाम क्या दिया गया? सेतु समुद्रम स्कीम, सेतु समुद्रम योजना। ठीक है, कब का ये? 2004 का है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इस घोषणा इसका लोकार्पण किया गया था, उन्हीं का ये प्लान था। ठीक है, ओके। पाक स्टेट, पाक स्टेट क्या करता है, किसको किसको अलग करता है? ये देखो पाक स्टेट क्या है, तो एक घास का मैदान है, पहला बात तो याद, जो पाक स्टेट बोल रहा हूँ क्या है, घास का मैदान। ठीक है, जो समुद्र के ऊपर भारत और श्रीलंका तक फैला हुआ है, ये याद रखना है, भारत और श्रीलंका को अलग करती, बस। पाक जल संधि, पाक स्टेट किसको अलग करता है? भारत को श्रीलंका के साथ, ओके। इसके बाद कोड़ई कनाल, कोड़ई कनाल में आपको बताता है हिल स्टेशन किस पहाड़ के ऊपर में है? पलानी हिल्स। कौन से हिल्स के ऊपर? पलानी हिल्स के ऊपर ये एक हिल स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा स्पेस, मतलब स्पेस देखने के लिए सबसे बड़ा खगोली दूरबीन यहीं पर स्थापित किया गया, दूरबीन है जिसे अपन किसको देखते हैं? स्पेस में। ठीक है, तो सबसे बड़ा दूरबीन कहाँ पर स्थापित है? हमारा कोड़े कनाल। ठीक है, इसका पॉलिटिकल बात करेंगे कल, ये हुआ इसका फिजिकल। ओके, याद दिलाना मेरे को कल, कोरल रीफ बताना है, बता दिया 5 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा यार, आए के लिए टेंशन पालना है। अरे हो ना, आज करे सो आज, आज कर कल करे सो कल, कोई मतलब नहीं है। आज का काम कब खत्म कर दिया जाए? आज है। ये देखो ये समुद्र का बेस है, समुद्र का क्या है? बेस है, और ये मान लीजिए समुद्र का टॉप है, कहीं पर गहरा होगा डीप सी होगा, कहीं पर उथला सी होगा, तो हमेशा कोरल रीफ पाया जाएगा उथले हुए समुद्र पर, जहाँ पानी कम होगा, डीप सी में कभी नहीं मिलेगा, गहरे समुद्रों में कोरल रीफ नहीं मिलेगा, कहाँ पर मिलता है? ये हमेशा उथले समुद्रों में। अगर आप मानचित्र देखते हैं, आप अगर किसी मानचित्र को फॉलो करते हैं, तो उथला और गहरा समुद्र देखने का तरीका बता रहा हूँ, जहाँ पर पानी एकदम नीला दिखाएगा, आप अगर एटलस वेटलस में देखेंगे, अगर पानी कैसा दिखा रहा है, एकदम नीला दिखा रहा है, मतलब वहाँ डीप सी है, और पानी का कलर अगर वाइट है तो समझ जाना वहाँ पर समुद्र है, लेकिन कैसा समुद्र है? छिछला उथला हुआ समुद्र, जहाँ पर पानी क्या होता है? कम होता है। तो कोरल रीफ हमेशा कहाँ पर पाया जाएगा? उथले समुद्रों में। ठीक है, अब कोरल रीफ का जो खोल है वो किसका बना होता है बोला मैं? ये देखो एक ऐसा एक मूंगा आया, अपना जीवन जिया और मर गया, इसके बाद दूसरा क्या करता है? इसी के ऊपर आता है अपना बढ़िया खाना पीना का व्यवस्था, ये ऐसे मर गया, ऐसे ऐसे करके ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चढ़ते, देखो ये एक दूसरे को ऊपर कभी नहीं जाएगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा, और ये बड़ा जबरदस्त जबरदस्त चटक चटक कलर में होते हैं। कलर में होने का कारण क्या है? ये रंगीन सवाल से बने होते हैं। किनसे बने होते हैं? रंगीन सवालों से। ठीक है, ये पूरे का ये जो जगह है, ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो ऐसा जो चट्टान बना है, ये याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। वो इतना जबर, देखो अभी अभी से देखो इतना कितना अच्छा दिखने लगा, तो ऐसा ही ना उनके यहाँ पर भी रहता है। ठीक है, तो ये पर्यटन के लिए, उसके जो टूरिज्म को खींचने के लिए ये सबसे बड़ा साधन, इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा साधन है ये ऑस्ट्रेलिया की। नाम क्या उसका? ग्रेट बैरियर रीफ। 2000 किलोमीटर तक फैला है। उसके कारण क्या होता है ना, उसके कारण कभी वहां पर सुनामी आ पाता है ना कुछ। सुनामी का मतलब समझते हो ना, समुद्र में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बस ये ऐसा कलर्ड पूल, एकदम कलर चट कलर। तो स्कूबा डाइविंग करते हैं अंदर में, देखो अंदर क्या बोलते हैं जो गोताखोर रहते हैं, अरे हाओ ना ठीक, वो लोग और एकदम सुंदर लगता है। मैं विदेशी महिलाएं और या 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 दिस साइड ऐसे करके तैरते रहते हैं ठीक है। अब क्या होता है ये देखो, इसके दो तीन यूज देखो। पहला चीज तो ये चट्टान का काम करता है, ये इससे क्या नहीं आएगा बोला मैं, सुनामी उनामी नहीं। दूसरा चीज क्या करता है, जो छोटी मछलियां होती है यहीं पर तैर रही है, छोटी मछली छोटी छोटी मछलियां जो होती है, जो अभी अभी नया नया जीवन जीना चालू किया है ठीक है, इनको ये आसरा देता है, आवास देता है, घर देता है। एक बड़ा मछली आया, बड़ा अब खाऊंगा बोले, आ मुंह खान पान, ये देखे सीधा अंदर घुस जाते हैं, यहाँ यहाँ आया और चिढ़ाते थे, अब आएगी तो ये फंस के मर जाएगी, इतना है ये, इसमें फंस के क्या हो जाएगा, ये टकरा के मर जाएगा, के अंदर में घुस के चिढ़ाते रहे। अब कोरल रीफ, ये कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, इसका जो कवर होता है कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, एक मरेगा तो उसके ऊपर दूसरा अपना आवाज के लिए भी ठीक है और खाने के लिए भी, वो कैल्शियम का चूना को खाते रहेगा, ये भी मर जाएगा टपक से, चूना चूना जुड़ जाता है ऑटोमेटिक, बोलने की जरूरत ही नहीं, जोड़ हो जाएगा, धीरे धीरे जुड़ते जाएगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। बताया सीमेंट का एक आध बोरी को फेंक देने का आध नदी में, कभी जीवन में नहीं टूटेगा, इतना चट्टान बन जाता है, क्या बन जाता है चट्टान, वैसे ही ये चट्टान बन जाता है। अगर कोई जहाज वहाज ऐसे, अगर ये देखो जहाज आधा ऐसे रहता है जहाज, अगर ये जहाज वहाज फाड़ देगा जहाज दो टुकड़े में अलग, समझ में आया, पनडुब्बियां जहाज सबमरीन ये सब को क्या कर देता है, तहस नहस कर दे, इससे टकरा गया तो इतना ये वो रहता है। इसी को मन्नार की खाड़ी से हटाने के लिए, गल्फ ऑफ मन्नार से हटाने के लिए ये इसी से बना हुआ है, तुम्हारा लक्षद्वीप भी लक्षद्वीप के तरह पूरा, ये पूरा बेल्ट हमारा किससे भरा हुआ है, इसी से भरा हुआ है। इसको साफ करने के लिए एक योजना बनाई गई 2004 में, इस योजना का नाम 2014 सेतु समुद्रम योजना। कौन सी योजना, सेतु समुद्रम योजना, ताकि इस कोरल रीफ को क्या किया जाके, साफ किया जा सके और हमारा जो आवागमन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो सके, कम हो सके ठीक है। चलिए इसका पॉलिटिकल अब मैं कल पढ़ाता हूँ, ओके कल से लाइव क्लास बंद रही।